प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूं, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के द्वारा प्रभु का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 8वीं अध्याय के 3रे आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र का पापमय शरीर के समानध में और पापवली होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। किस प्रकार मनुष्य जात का पाप का दंडाज्ञा दूर हो गया है, उसका बारे में यह हम तो समझा रहे हैं। रोमियों का पत्रिका उसका 8वीं अध्याय की पहली कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंडाज्ञा नहीं। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं इस दंडाज्ञा किस प्रकार और मनुष्य जात का ऊपर से दूर हो गया है उसका बारे में और 8वीं अध्याय की 3रे आयत में समझा रहा है। तो व्यवस्था और दुर्बल हो गया है क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा है, तो इसे बेचकर और एक पाप बलि होकर और हमारे जो ऊपर जो दंडाज्ञा है उसको दूर किया है। हम रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 12 कलम में पढ़ते हैं, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप और जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, जैसे हम पढ़ते हैं एक मनुष्य आदम का द्वारा इस जगत में पाप आए हैं, पाप के साथ साथ में मृत्यु भी इस पृथ्वी में आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जो आए हैं और पाप बलि होने के लिए आए, और उसका अर्थ इस प्रकार हम दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं है, वो पवित्र है, निर्दोष निष्कलंक है, लेकिन परमेश्वर ने एक शरीर उसको तैयार कर उस पृथ्वी में भेजा है और एक ही उद्देश्य इधर तो बता रहा है कि हम पाप से उसका दंड से बचने के लिए पाप बलि होने के लिए इस पृथ्वी में आए। पुराना नियम में जितने बलियाम हुआ है हम 5 प्रकार का बलिदान का बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक बलि पाप बलि है। जैसे आदम इस पृथ्वी में लेकर आए पाप को दूर करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को एक शरीर में इस पृथ्वी में भेजा। उसका कारण ऐसा है कि हम व्यवस्था में था तभी हमारे में कोई प्रकार की फल नहीं है, ये व्यवस्था नहीं कर पाए, इसका वजह से हमारे जीवन में मृत्यु का फल था। इसलिए रोमियों का पत्रिका 7वें अध्याय की 5वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम शरीर के थे तो पाप की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। हम व्यवस्था में थे वो समय पर
हम प्रभु में नहीं था, वो समय पर हम कुछ फल लाया है, वो फल है मृत्यु। दूसरा परमेश्वर के लिए अच्छा फल ला नहीं सकता था। हम रोमियो का पत्रिका 3:20 में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होते हैं। व्यवस्था का द्वारा मनुष्य को पाप का पहचान होते हैं, लेकिन और कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था का श्राप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक पाप बलि होने के लिए इस पृथ्वी में आए हैं, जिस प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन एक बात हम समझना है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो व्यवस्था को और देकर नहीं प्रभु यीशु मसीह जिया, परमेश्वर को और देकर प्रभु यीशु मसीह जिया है। इस प्रकार हम प्रभु का वचन में हम दे सकते हैं। हम दूसरा कुरिंदी 5:21 में पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को और उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु में बिल्कुल पाप नहीं है। जैसे प्रभु हमारे लिए पाप का जो बातें हैं और प्रभु को ऊपर ठहराया है, निर्दोष निष्कलंक प्रभु है, उसको ऊपर एक पापी मनुष्य का जैसे प्रभु इस क्रूस का मृत्यु सहन किया, क्योंकि हम परमेश्वर का धार्मिकता बन जाने के लिए। प्रभु हमको सहायता करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो वो समय पर व्यवस्था को और नहीं ध्यान नहीं दिया, और परमेश्वर पिता का और ध्यान देकर प्रभु अपने जीवन जिया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर यही एक बात है कि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:38 में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने बेचने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आए हैं और यहाँ कैसा रहा है, ये बात इधर तो बता रहा है। बोलते हैं कि मेरे इच्छा प्रकार नहीं है, और परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह पाप बलि होने के लिए आए, और इतना भी नहीं, व्यवस्था को और ध्यान लगा के नहीं जिया, परमेश्वर पिता को और ध्यान लगा के प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जिया। साथ साथ में पाप बलि होने का वजह से हमारे जीवन में अभी दंडाज्ञा नहीं है, नरक की दंड नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और हर एक विश्वासी व्यवस्था को और देकर नहीं जीना है, हम प्रभु को और देकर अपने जीवन बिताना है। प्रभु को प्रसन्न बातों को हमारे जीवन में लागू कर जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। ये समय पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम ध्यान करेंगे, आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया है, और क्रूस पर उसका जीवन को हम देखते हैं कितने कठिनाई मुसीबतों सामने किया है। सिर को पर काटों का मुकुट रखा हुआ है, उसमें से बहुत कुछ लहू बहा दिया, पैरों में हाथों में किल्ला मारा, कोड़े से मार खाया, बहुत कुछ से निंदा डट्टा मस्करी उसने सह लिया। परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर के आओ, इस प्रकार बहुत कुछ लोगों ने प्रभु को ठट्ठे में उठा दिया, लेकिन प्रभु ये सारे बातें सह लिया कि पिता का इच्छा को पूरा करे। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो उद्धार के अनुभव है, आनंद जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का द्वारा मिला है। हम इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, आपके ऊपर मुझे, मेरा ऊपर जो प्रभु का
प्रेम प्रकट किया है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। जय मसीह की।